मुख्तार अंसारी को यूपी जाने से रोकने के लिए पंजाब सरकार ने वकीलों पर खर्च किए 55 लाख। मेहरबानी करने वालों पर होगी जांच। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर अब पंजाब में शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल में रखने और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले में इंटेलिजेंस जांच शुरू हो गई है। यूपी पुलिस के बार बार वारंट के बावजूद मुख्तार को यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं होने से बचाने के लिए तत्कालीन पंजाब सरकार ने 55 लाख रुपए खर्च किए, जिसकी जांच के लिए सीएम भगवंत मान से हरी झंडी मिल गई है। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि आखिर मुख्तार पर कौन इतनी मेहरबानी दिखा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले की जाँच की अनुमति दे दी है, जिसके बाद गृह विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा ने डीजीपी गौरव यादव को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। इस जांच में जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस नेता, मंत्री या अधिकारी के कहने पर मुख्तार अंसारी की पैरवी के लिए वकीलों की फौज खड़ी की गयी और 55 लाख रूपए तक खर्च कर दिए गए। प्रमुख सचिव ने कहा कि जांच में जिसके भी नाम सामने आएंगे उन पर लाखों के खर्च की जिम्मेदारी फिक्स होगी। दरअसल मुख्तार अंसारी को मोहाली के बिल्डर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में 2 साल तक रोपड़ जेल में रखा गया था। खबर के मुताबिक तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जेल अधिकारियों पर मुख्तार अंसारी को हर हाल में रोपड़ जेल में ही रखने का दबाव था। अधिकारियों पर राजनैतिक दबाव के चलते यूपी सरकार से कानूनी जंग के लिए लाखों रुपए भी खर्च किए गए। मुख्तार को लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी की जेल भेजा गया था। सरकार बदलने के बाद ये मामला सीएम भगवंत मान के सामने आया और उन्होंने इसकी जांच के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जेल मंत्री हरजोत बैंस ने विधानसभा में भी मुख्तार अंसारी की रोपड़ जेल में आवाभगत का मुद्दा उठाया था। मंत्री ने कहा, जिस बैरक में मुख्तार को रखा गया था उसमें 25 कैदियों को रखा जा सकता है। यही नहीं, मुख्तार की पत्नी को भी वहां आने जाने की इजाज़त थी। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे की बर्बादी नहीं होने दी जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें और इसी प्रकार की ट्रेंडिंग न्यूज जानते रहने के लिए ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।